आप सुन रहे हैं गांव साहपुर भरतपुर राजस्थान में। इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नितिनवास पसिंगा सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उदरई जान खनौली आगरा उत्तर प्रदेश से। पेड़ की धनकार सुन रहे हैं भाई लोकेशी कठुमर राजस्थान से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं देशपाल डीजे साउंड सर्विस कठुमर राजस्थान से। आइए सुनिएगा। हाँ जी, राधा यादव तैयार हैं इनके बाद में। परमादरणीय विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर पधारे हुए प्रांगण में जितने भी जिगड़ी के प्रेमी श्रोता मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं भक्ति स्वरूप हमारी माताएं बहनें, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामी नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महानुभावो, आपके मध्य में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनकी चरणों की रज के बराबर भी नहीं। लेकिन सुनिएगा, कहते हैं कवियों की कविताएं और गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कवि ने चार पंक्तियों में लिखा है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। के हंस की बोले बो रहस रहस साथी उसके प्रेम रस पीजिए और टेढ़ी गत चले बास चौगुनी सी टेढ़ी चलो भूल के उफेर बा को नाम मत दीजिए। और कहा है के नर तो वही वही जा को मन हो उजरास और बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए और नर हो या नारी महबूब खूब प्यारी होए जो आपको न चाहे बाके माथे धूल कीजिए। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिकड़ी का मेला है और जिकड़ी की जो मेन धुरी है जिसे साखी कहते हैं, आइए शुरुआत वहीं से करेंगे। और साखी में पवन भैया क्या बताया है, अरे तुमने बने के ओ भिखारी दीनाना
को देखो रे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। जब महाभारत युद्ध का समापन हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री हवलदार जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, 50 रुपए का पुरस्कार श्री धर्मादि और ये 50 रुपए का पुरस्कार दौलत पीटीआई जी और 50 रुपए का पुरस्कार श्री विजय सिंह जी, इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री महेंद्र सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धर्मराज जी ने कहा, प्रभु मैं विश्व विजय यज्ञ करना चाहता हूं, विश्व विजय घोड़ा छोड़ना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से जाकर के जब ये कहा, भगवान कृष्ण कहने लगे, धर्मराज आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा, धर्मराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है, इसलिए पहले काटो भा कांटे को। अरे पहले काटो भा कांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो, तुमने तरह कहे कि विश्व विजय को बड़ा है, सो नाम गाम बतला दो स्वामी। अरे नाम गाम बतला दे स्वामी, धर्म राजियो बोलिया और जब भेद प्रभु ने खोया। बार बार धर्मराज के कहने पर भगवान श्री कृष्ण बतला रहे, धर्मराज सुनिए, वो योद्धा कौन है मैं आपको बतलाता हूं। क्या लिख दिया पवन भैया, क्या बताया? हो रे छासी और भूप कैद कर राखे, कोई कहन लगे बनवारी है, और बाके बलको, अरे बाके बलको, और जे पार नहीं वो जरासंध बल योद्धा कोई और नहीं है, वो जरासंध है। और सुनिए, उस योद्धा की एक प्रतिज्ञा भी है, क्या?
जातिन होए से कड़ा पूरा तब सौन कुमारे को जातिन होए से कड़ा पूरा तब सौन कुमारे को हरी कहे कोई हरी कहे नानू को रण में कैसे हिम्मत करे गो हरी कहे नानू को रण में कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बतला दिया उस योद्धा की प्रतिज्ञा है जिस दिन सैकड़ा पूरा हो जाएगा आहा एक साथ सबके साथ विवाह कर लेगा। बंधुआ भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज वो कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है, उसके भय के कारण तो मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। कहा छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, पुरी द्वारका आयो हूँ, हे प्रधान ऋषि को बाकू मार नहीं मैं पायो हूँ। जब तक जिंदो वो जरासंध है, जब तक जिंदो जरासंध है, कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। जब तक वो जीवित है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आहा आज धर्मराज कहते हैं प्रभु अगर वो ऐसा योद्धा है तो मुझे बताएं उसका जन्म कहां पर हुआ, उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, आखिर उसको वरदान किसने दिए। बंधुओं ये सारी बातें धर्मराज जी पूछ रहे हैं, लेकिन ये बातें हम आपको अब अगले नंबर में बताएंगे। अब ये गीत सुनेंगे आप, समय का अभाव, गौर दीजिए। एक परिवार में चार सदस्य थे, माता पिता उनके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बदकिस्मत की बात है माँ बाप दोनों खत्म हो गए, भाई बहन बचे। भाई ने कर्तव्य निभाया, अपनी बहन की शादी रचाई, बहन ससुराल पहुंच गई। बंधुओं ससुराल वाले बड़े ही धन के लोभी लुटेरे दरिंदे थे, उसकी बहन को चंद पैसों के कारण दहेज के कारण जिंदा जला दिया, मार दिया। वो भाई अपनी बहन के पास पहुंचा, जाकर के देखा वहां पूरा समाज एकत्रित हो गया, पुलिस प्रशासन भी वहां पर आया। उस भाई से पूछा बता तेरी इच्छा क्या है, एक ही बात कही केवल एक इच्छा है, जहां मेरे माँ बाप की समाधि बनी हुई है वहीं मेरी बहन की समाधि होनी चाहिए। सुनवाई की गई, आज उसकी बहन के सबको उसके साथ भेजा गया, लेकिन वो भाई रोता हुआ जा रहा है। कवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है सुनिए। कि रोता भाई है, भाई है रोता भाई है, कि रोता भाई है, भाई है रोता भाई है। इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री भूप सिंह जी की तरफ से प्रदान हो रहा है। कहा कि रोता भाई है, भाई है रोता भाई है, और जो बहन गई ससुराल हो, साहेबपुर निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए माँ की ममता प्यार पिता का, मुझे पता नहीं है नीचे उतरने की अनुमति है या नहीं,
पांच मिनट शेष हैं। नीचे उतरने की अनुमति है या नहीं? अनुमति है। कहा पांच मिनट शेष है। माँ की ममता प्यार पिता दहेज की खूब चली है बेटी काहू की बहन जली है ना चूके चांदाल तेरा कर दिया कैसा हाल कफनों में लिपटी आई है। आइए अगली कड़ी समय को देखते हुए घर पर सारा गांव चुरा है हो रहा सबका हाल बुरा है धन के ये लोभी बने ही दरिंदा मानवता हो गई शर्मिंदा पड़ गई किन दोस्तों के पाले रोए रोए कह रहे बस्ती वाले खूब दिया धनमाल कह रहे अब ख्याल कफन में लिपटी आई है। आइए अंतिम लाइनों में गीत को समापन की तरफ लेकर के जाएंगे और कहा है जब वो भाई अपनी बहन के सबको लेकर घर पहुंचा वहां भी पूरा समाज एकत्रित हो गया लेकिन लिख दिया कवि ने हो घर पर सारा गांव चुरा है हो रहा सबका हाल बुरा है हो जब जब भाई का सूना रस्म निभाते ने अब तक राखी अब को बांधे मेरे हाथों में राखी जीती समय की चाल संग खेलिए फिरा साल जीती समय की चाल संग खेलिए फिरा साल कफनों में रोता भाई है रोता भाई है।